आज हम खिचड़ी में से पकोड़े बनाएंगे। खिचड़ी में से पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है। ये इंस्टेंट बन जाते हैं। बारिश के मौसम में जब आपको पकोड़े खाने का मन हो तो इस पकोड़े को आप जरूर ट्राई करें। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। आपको ये बेहद पसंद आएंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खिचड़ी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने करीब 1.5 कप जितनी बची हुई खिचड़ी ली है। इसे हम पहले थोड़ा मैश कर लेंगे। अब इसमें हम एक आलू को छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर डाल देंगे। आप इसकी जगह पर प्याज भी डाल सकते हो या तो फिर बिना प्याज और आलू ये पकोड़े बना सकते हो। अब इसमें हम 1/4 कप जितना चने का आटा डालेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा डालेंगे। अब इसमें हम मसाले कर लेंगे। लाल मिर्च, हल्दी तो है ही, तो हम पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे। एक चम्मच जितना धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून जितनी हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डालेंगे। अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और हमने लेफ्ट ओवर खिचड़ी ली है तो डाइजेशन में के लिए भी ये अच्छा है। 1 टीस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे और अब सभी चीजों को हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे क्योंकि खिचड़ी में तो ऑलरेडी नमक है ही। हाथों से अभी से हम एक आटा जैसा बना लेना है, ना हमें इसमें सोडा डालना है क्योंकि ये ऑलरेडी इतने सॉफ्ट ही बनते हैं। इसमें हमें पानी की या और आटे की अब कोई जरूरत नहीं है, इतना ही है, ठीक हमें इसे रखना है। आप देख सकते हो पकोड़े तलने के लिए हमने तेल रख दिया है। वो अच्छी तरह गर्म हो गया है कि नहीं हो एक बार चेक कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसी में हम पकोड़े तल लेंगे। पकोड़ों के लिए मैंने पानी थोड़ा पानी वाला हाथ किया है इसलिए अच्छे से बॉल्स जैसे बनेंगे। पकोड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है। ये पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ या ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हो। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करना है। धीमी आंच पर इसमें ज्यादा तेल रह जाएगा। इसे हमें गोल्डन फ्राई करना है। इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटना है ताकि ये चारों ओर अच्छी तरह सिक जाए।
भारी में ये गर्मा गर्म पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। ये गोल्डन फ्राई होने लगे हैं, एक मिनट के लिए हम और कुक करेंगे ताकि और क्रिस्पी हो जाए। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। ये खिचड़ी के पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और पकोड़ों को भी हम इसी तरह बना लेंगे। इसे हमें पलटाना है क्योंकि ये तो भी अच्छी तरह सीखेंगे। इसी तरह हमारे ये पकोड़े भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से मैंने सारे खिचड़ी में से पकोड़े बना लिए हैं। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप जरूर इसे ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।